फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में बंद हो गई थी अचानक से, तो इसका पार्ट टू करके मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया था? ये ऑप्शन आपका धंगदेव ने, बी ऑप्शन आपका विद्याधर ने, सी ऑप्शन आपका नन्नुक ने, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, विद्याधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1194 में के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया? ये ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन है जयचंद, सी ऑप्शन है भीम द्वितीय, और डी ऑप्शन है जयपाल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मुइजुद्दीन गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया? ए ऑप्शन आपका अजयपाल, बी ऑप्शन है जयचंद, सी ऑप्शन आपका हरी राय, और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? ए ऑप्शन आपका विक्रमपाल, बी ऑप्शन है धर्मपाल, सी ऑप्शन आपका आनंदपाल, और डी ऑप्शन है विद्याधर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, आनंद पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी है? ए ऑप्शन है अबुल फजल, बी ऑप्शन है आपका अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है अमीर हसन, और डी ऑप्शन है अलबरूनी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, अलबरूनी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो अलबरूनी का जो उपनाम था वो अबू रेहान था। क्या नाम था? अबू रेहान था। और ये पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखा, और गीता और पुराणों का इसने अध्ययन किया था। और इसकी जो ये पुस्तक है, ये तारीख़ ए हिंद, या इसको तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, इसे 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विद्वान का नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया? ए ऑप्शन आपका इब्न बतूता, बी ऑप्शन है अल-फिरदौसी, सी ऑप्शन आपका अल-बरूनी, और डी ऑप्शन है अल-अरजा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक के हिंद के लेखक थे? ए ऑप्शन आपका अल-बरूनी, बी ऑप्शन है अलई दृशी, और सी ऑप्शन है सुलेमान, और डी ऑप्शन है अल मसूदी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए। इसके बारे में भी बताया ही मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो ये अभी मैंने आपको बता ही दिया ना, अलबरूनी, या फिर इसका उपनाम क्या था? अबू रेहान था। और ये जो तहकीक ए हिंद या किताब ए हिंद है, इसमें कुल टोटल 80 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ए ऑप्शन है किताबुल रहला, बी ऑप्शन है किताबुल हिंद, सी ऑप्शन है आपका किताबुल इस्लाम, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी आंसर है किताबुल हिंद। और उसमें कितने अध्याय हैं? टोटल 80 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? ए ऑप्शन है आपका पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन है जयचंद, सी ऑप्शन है मूलराज द्वितीय, और डी ऑप्शन है आपका परमाल देव। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। कौन से युद्ध में इसको परास्त किया था? तो पानीपत, उसके तराई के द्वितीय युद्ध में, तराई के द्वितीय युद्ध में, प्रथम युद्ध में गोरी परास्त होता है, और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? ए ऑप्शन आपका भीम द्वितीय, बी ऑप्शन है जयचंद, सी ऑप्शन आपका पृथ्वीराज चौहान, और डी ऑप्शन है विद्याधर चंदेल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए। इसके बारे में बता दूं तो 1178 में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। तो उस समय जो वास्तविक शासक था वो आपका मूलराज द्वितीय था, और उसका सेनापति कौन था? तो ये आपका भीम द्वितीय था। तो जो हिंदू, जो मतलब ये जो भारतीय स्रोत है उसमें वास्तविक राजा होने के नाते आपके मूलराज द्वितीय को
इसका विजय का श्रेय दिया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम इतिहासकार हैं या मुस्लिम लेखक हैं वो भीम द्वितीय को गौरी को पराजित करने का श्रेय देते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया। ए ऑप्शन आपका मुल्तान, बी ऑप्शन है सिंध, सी ऑप्शन आपका पंजाब और डी ऑप्शन है अन्हिलवाड़ा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, मुल्तान पर। उसके बारे में बता दूँ तो मोहम्मद गोरी जो था वो भारत में गोमल दर्रे से भारत आया था। कौन से दर्रे से? गोमल दर्रे से होते हुए। और इसने जो आक्रमण किया था उसका जो पहला आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के जो शिया थे, करमाथी जाति के शिया थे उनके ऊपर इसने आक्रमण किया था, करमाथी जाति के 1175 ईस्वी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्क शासक सिहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया। ए ऑप्शन आपका कन्नौज का युद्ध, बी ऑप्शन है तराई का द्वितीय युद्ध, सी ऑप्शन आपका पानीपत का युद्ध और डी ऑप्शन है खानवा का युद्ध। तो अभी मैंने आपको बताया ही इसके बारे में, तराई के द्वितीय युद्ध में, और कब हुआ था तो 1192 ईस्वी में। इसके बारे में वो मिन्हाज कहते हैं, मिन्हाज सिराज कहता है कि जो मोहम्मद गोरी की जो सेना थी उसमें 1,20,000 सैनिक थे, 1,20,000 सैनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराई के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह था। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है आपका पूर्वी राजस्थान, सी ऑप्शन है आपका पश्चिमी राजस्थान और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसमें जो आंसर है आपका वो है ए और बी दोनों, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया। ए ऑप्शन आपका जयचंद के द्वारा, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, सी ऑप्शन है मलिकों के द्वारा और डी ऑप्शन है खोखरों के द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सॉरी डी, खोखरों के द्वारा। इसके बारे में बता दूँ तो मोहम्मद गोरी जो था वो सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते टाइम 15 मार्च 1206 को इसकी हत्या कर दी गई थी। और इसका जो शव है वो गजनी में दफनाया गया था। लेकिन इसके बारे में जो आधुनिक इतिहासकार है वो इसके बारे में कहते हैं कि इसकी जो हत्या करने का जो श्रेय था वो खोखरों को जाता है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि चंदबरदाई ने इसकी हत्या का श्रेय किसको दिया था, तो चंदबरदाई ने इसकी हत्या का जो श्रेय दिया था वो पृथ्वीराज तृतीय को देता है। कौन देता है? चंदबरदाई। लेकिन आधुनिक इतिहासकार खोखरों को देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गोरी की हत्या की थी। ऑप्शन चौहानों ने, बी ऑप्शन गढ़वालों ने, सी ऑप्शन है खोखरों ने और डी ऑप्शन आपका मंगोलों ने। तो इसमें आपका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी। ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद महमूद गजनी और डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद गोरी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया। ए ऑप्शन आपका मोहम्मद तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद इब्न शाम, सी ऑप्शन आपका फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन आपका इल्तुतमिश। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का निर्गत किया। ए ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन कासिम, बी ऑप्शन है महमूद गजनवी, सी ऑप्शन आपका शेरशाह और डी ऑप्शन है आपका अकबर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका महमूद गजनवी। और जो चांदी के सिक्के थे उसमें अरबी कलमे का जो अनुवाद किया था वो संस्कृत में किया गया था, अरबी जो कलमा था उसका अनुवाद संस्कृत में किया गया था। और इन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया है। क्या कहा गया है? दिल्ली वाला। और ये कितने ग्रेन का था? तो ये आपका 56 ग्रेन था, 56 ग्रेन का था। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि दोभाषिक सिक्कों की शुरुआत किसने की थी, तो दोभाषिक सिक्कों की जो शुरुआत की थी वो आपके मैम ये इन गजनवियों ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही था। तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा। थैंक यू।